ये सर जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन भी देख रहे हैं 6300 के ऊपर ट्रेड करती नज़र आ रही है। फरवरी वादे की अगर ऊपर नज़र डालें, आपको क्या लगता है रूपा जी? देख रहे हैं कि विदेशों में तो सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेज़ी ही है। यूएस सोयाबीन की बात करें तो उनमें लगातार हमने तेज़ी बनती हुई देखी है। ब्राज़ील अर्जेंटीना में सूखे के हालात हैं जिससे वहाँ पर सोयाबीन का प्रोडक्शन कम रहने के आसार बताए जा रहे हैं। और दूसरा कि सोया खली सोयाबीन मील की भी जो कीमतें हैं और जो डिमांड है विदेशों में वो बढ़ चुकी है। आपको क्या लगता है उसका असर भारतीय बाजार पर कब तक देखने को मिल पाएगा और कब तक सोयाबीन की कीमतें आगे तेज होती नजर आ पाएंगी? देखिए, बहुत ज्यादा अभी फिलहाल तेजी मुझे दिखाई नहीं देती है सोयाबीन के अंदर। मैंने पहले भी बताया था कि 6500 तक मैक्सिमम अपसाइड बन सकता है, और आप देखिए अब एक्सपायरी है और अगला वायदा भी जो है सोयाबीन का वो भी देखा जाए तो 6300 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो तेजी मैक्सिमम है वो 6500 है और नीचे के अंदर 6000 का स्तर है। यहाँ पर इसी रेंज में फिलहाल बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल मार्केट्स का सिनेरियो है नो डाउट फंडामेंटली वो काफी सपोर्टिव है। वहां पर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और लगातार वहां से जो खबरें निकल कर आ रही है वो कहीं ना कहीं सोयाबीन को यहाँ पर भी सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइजेस लुढ़के नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर अब प्राइजेस जो है लुढ़क कर 6000 के नीचे दिखाई देते, जो विदेशी बाजारों की तेजी है उसकी वजह से ही घरेलू बाजारों में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और बाजार सस्टेन है। तो इसीलिए हमें लगता है कि सोयाबीन फिलहाल इन्हीं लेवल्स के आसपास सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा आने वाले कुछ समय में। यही रेंज फिलहाल बरकरार है 6000 से लेकर 6500 की रेंज के बीच में बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है जी।